चीज की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जरूरी चीज और है कोई नहीं। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पंजाब में एक एक्ट पास किया गया 2021 के अंदर। उस एक्ट का जो नाम है वो है पंजाब कंपल्सरी टीचिंग ऑफ होली कुरान एक्ट। मेरे ख्याल से जबरदस्त ये एक एक्ट पास किया हमने। इसकी अब मैं बात अब इसलिए करने के लिए आया हूं क्योंकि अब इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू हो गई। बड़ी चीजें पास होती हैं और बड़ा कुछ किया जाता है मगर मेरे ख्याल से जब तक आप इंप्लीमेंटेशन तक ना आए और करके ना दिखाएं, जिस तरह आपने पहले भी देखा हमने जो चीजें की हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर पंजाब में, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हुई, जब तक हमने शुरू नहीं की, तब तक हमने आके उसके ऊपर बातचीत नहीं की। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताऊं। क्लास वन से लेके पांचवीं तक नाजरा पढ़ाया जाएगा, अरबिक के अंदर कुरान शरीफ सारा पढ़ाया जाएगा। छठी से लेके बारहवीं तक बच्चों को तर्जमा उसका बताया जाएगा, वो तर्जमा पढ़ेंगे। अब क्लास वन के अंदर लास्ट जो कुरान शरीफ के अंदर चार सूरतें हैं वो पढ़ाई जाएंगे। क्लास टू के अंदर पहला और दूसरा सपारा पढ़ाया जाएगा। क्लास थ्री के अंदर तीन से लेके आठवां सपारा पढ़ाया जाएगा। चौथी के अंदर नौवें से लेके अठारहवें सपारे तक पढ़ाया जाएगा और पांचवी के अंदर 19वें से लेके 30वें सपारे को पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद छठी क्लास से 12वीं क्लास तक इनका तर्जुमा पढ़ाया जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो इसके अंदर वो ये है कि बच्चों को जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफा तर्जुमे के साथ ये एक कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गया। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है।